भैया यहाँ से, देखो मैं भैया हूँ, मामा हूँ, और इसलिए मेरी लाडली बहनाओं, दिवाली और धनतेरस के पहले मैंने कल तुम्हारे खाते में पैसा डाल दिए। बोलो आगे खाते में। कांग्रेस के लोग बड़े परेशान हैं, चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे थे कि ये मामा तो कह रहा है मैं चुपचाप पैसा डाल दूंगा। अरे चुपचाप काय को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि मैं देखता था कि मेरी बहनें कई बार, गरीब बहनें, हजार हजार दो दो हजार रुपए के लिए भी परेशान हो जाती है, बच्चों की छोटी मोटी मांग पूरी नहीं कर पाती, तो मैं सोच रहा था कि जब मैं बहनों का भैया हूं तो कुछ ना कुछ तो बहनों को करना चाहिए। मैं सोच रहा था कि करूं क्या, अंततः मुझे लगा के और कोई चीज देने से फायदा नहीं है, सीधे बहनों के खाते में पैसा डाल दो, वो अपने हिसाब से उस पैसे का उपयोग करेगी। इसलिए हमने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बताओ बहनों कैसी योजना है। मां साहब दो चीजें करना है, और कई बहनों ने आपको शिकायत की होगी कि हम रह गए पांच पांच दस दस रह गए, नहीं पंद्रह पंद्रह, तो अब सुन लो, जो बहनें रह गई है इस चुनाव के बाद सरकार बनने पे पोर्टल खोल के उनके नाम भी डाल दिए जाएंगे। अच्छा एक बात मेरी बेटियों ने कही, बेटियों ने कहा कि मामा तुमने ये 21 साल की उम्र में शादी की शर्त क्यों डाली, हमें तो पढ़ना है नहीं करना, 21 साल में शादी तो हमें क्यों नहीं दे रहे। तो हमने तय कर लिया है, अध्यक्ष जी नेतृत्व को भी मैं कह रहा हूं कि 21 साल के बाद 21 साल तक कोई बेटी की भी शादी हुई हो चाहे नहीं हुई हो उनके खाते में भी पैसा डाला जाएगा। और मेरी बहनों 1250 ही थोड़ी रहेगा, पैसे की जुगाड़ में लगाऊं मैं, बहनें बहुत है मेरी, 1,32,00,000 बहनें हो गई है मेरी, 1,32,00,000, कितना भाग्यशाली भाई हूं मेरी, 1,32,00,000 बहने, और नाम जोड़ूंगा तो 1.5 करोड़ तो हो ही जाएंगी अभी। लेकिन पैसा देना पड़ता है बहुत, हजार के हिसाब से ही साल भर के 15,000 करोड़ रुपया होते हैं, बताओ कोई और दे सकता था क्या। लेकिन यही नहीं रुकूंगा, पैसे की व्यवस्था होते ही 1,250 से बढ़ा के 1,500 करूंगा, 1,500 से 1,750, फिर 2,000, फिर 2,250, फिर 2,500, फिर 2,750, और बाद में कितने करूंगा, 3,000 करूंगा। मैं सच कह रहा हूं, तब मैं अपनी जिंदगी धन्य मानूंगा और मुझे लगेगा कि मैंने अपनी बहनों के लिए कुछ कर दिया है, मुझे चैन की नींद आएगी। आपकी जिंदगी बदलना, जनता की जिंदगी में खुशहाली लाना, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। और मेरी बहनों बताओ, इस योजना के बाद तुम्हारे जीवन में खुशी आई कि नहीं आई। कई बहनों ने छोटे छोटे काम धंधे चालू कर दिए, कोई ने सिलाई मशीन करके सिलाई शुरू कर दी, कोई ने छोटी मोटी दुकान खोल दी, और कई बहनों ने बताया कि भैया देखो एक बात है, मैंने कहा क्या खुशी आई, उनने कहा आजकल तो घर में ही हमारी पूछ परख और इज्जत बढ़ गई है, आजकल तो सासू माँ बड़े प्यार से बोलती है, बहू कोई परेशानी तो नहीं है। और कई बार पतिदेव भी, पहले तो कई बार डांट डूट देते थे, अब कहते हैं पप्पू की मम्मी सब ठीक है ना, पैसे आ गए कि नहीं आए। देखिए सम्मान मिला है, मेरी बहनों पैसा नहीं, मैंने तुम्हें तुम्हारा मान दिया है, तुम्हारा सम्मान दिया है, तुम्हारा अधिकार दिया है। और किसान भाइयों, अरे 1,250 अगर बहनों को मिल रहा है तो 1,000 अपन को भी तो मिल रहे हैं,
6000 पीएम साहब के, मैंने भी हिम्मत की 6 पीएम दे रहे हैं, तो पहले 4 शुरू की, अब मैं भी 6 दे रहा हूं। और इतने ही थोड़ी छोड़ेंगे यार, आने दो जरा पैसे। मैं तो ये सोच रहा हूं किसान भाइयों, आपसे पूछ रहा हूं, क्या बजाय इधर उधर की सब्सिडी देने के, अब सब्सिडी कभी इधर चली गई कभी उधर चली गई, तो मेरे मन में ये सब्सिडी वब्सिडी सब इधर उधर की छोड़ के सीधे किसानों के खाते में पैसा दो, किसान जो चाहे वो उसका उपयोग करे। बोलो आपको ठीक लगता है ये? मैं तो आप सबसे पूछ रहा हूं, ये ठीक रहेगा? क्योंकि किसान अपने हिसाब से उपयोग करने दो ना भाई, जिस चीज की जरूरत होगी उसको उपयोग करेगा। मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने कभी किसान को कुछ नहीं दिया, अगर मोहनपुरा और कुंडलिया भी दिया तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इतने साल इनकी सरकार रही, बताओ एक बांध बनाया कांग्रेस ने कभी? ये जीरापुर खिलचीपुर राजगढ़ की पवित्र धरती, मुझे कहते हुए संतोष है कि मैं इस धरती मां की सेवा कर पाया, अपने किसानों की सेवा कर पाया। और आज भी संकल्प है, एक एक खेत में पानी की व्यवस्था के लिए जी जान लगा दूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। नई योजनाएं सुठालिया वगैरह उन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे अभी बताया कि दोनों बांध से जल्दी पानी छोड़ने की जरूरत है, तत्काल व्यवस्था कर दूंगा, आप चिंता मत करना, यहां से जाने के बाद मैं चर्चा करूंगा। समय पे पानी, और मुझे बताया कि थोड़ी सी बिजली की गड़बड़ हो रही है, उसको भी जाके ठीक कर दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। बोलो भारत माता की। अरे आपकी सेवा और आपकी खुशी ही मेरी जिंदगी है, मुझे और क्या चाहिए? मेरे बहन और भाइयों, मैं आपका सेवक हूं। कांग्रेस के नेता खड़गे कह रहे थे कल कि शिवराज तो अपने आप को भगवान मानता है। अरे खड़गे साहब, मैं भगवान नहीं मानता, मैं तो कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मैं अहंकार में अभिमान में डूबा व्यक्ति नहीं हूं, मैं अपनी जनता का सेवक हूं। और आगे जो काम करना है बहनों और भाइयों, मैं आज उन कामों को आपको कुछ प्रमुख चीजें गिनाना चाहता हूं। एक, मुझे कई जगह बहनों ने कहा, आप भी जाते होंगे तो देख लो मेरी टूटी टपरिया कच्चा घर, पीएम साहब ने योजना बनाई पीएम आवास योजना, कई के नाम जुड़े लेकिन कई के रह गए, बोलो सही बात है कि नहीं? तो अब अगला जो कदम होगा, जिनके कच्चे मकान रह गए हैं और पीएम आवास योजना में नाम नहीं है, उनके लिए मैंने बना दी सीएम लाडली बहना आवास योजना, उसके फॉर्म में भरा गए कि नहीं? सरकार बनते ही फार्मों की जांच करके और उन सबको भी पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। एक साल में सबको नहीं होगा, मैं झूठ नहीं बोलता, मान लो 20 लाख को देना है तो 5-5 लाख करके 4 साल में दे दूंगा। कोई गरीब कच्चे घर में नहीं रहेगा, बड़ा नहीं हो छोटा सा तो हो पक्का बन जाए। और एक बात और मेरी बहनों, अब मेरा टारगेट है हर दीदी को हर बहन को लखपति दीदी बनाना है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, आप ध्यान से सुनना। गरीब क्यों रहे, आंसू क्यों बहाएं? मैं देखता था कि गरीब बहन जब सासरे जाती थी ससुराल, तो मां और भाभी की गले से लिपट लिपट कर रोती थी और अपने दुख को प्रकट करती थी। अब लखपति बनाएंगे, लखपति मतलब साल में 1 लाख रुपया आमदनी होनी चाहिए, 10,000 रुपया महीना कम से कम। और ये स्व सहायता समूह की बहने बैठी है क्या यहां? ये मेरे समूह की बहने, हाथ उठाओ। ये समूह की बहने स्व सहायता समूह के माध्यम से
इतने काम मेरी बहनों शुरू करवाऊंगा कि 10,000 रुपया से ज्यादा तुम्हारी आमदनी होगी, ये तुम्हारे भाई का वचन है, तुमको चिंता मत कर। और मेरे बेटा बेटी मैं माफी चाहूंगा, आज हेलीपैड से जल्दी जल्दी आया, वो पकड़ रहे थे, दौड़ रहे थे पीछे, ये बच्चे कितना प्यार करते हैं मुझे, मैं तो भावुक हो जाता हूं। छोटे बच्चे तो जानते ही नहीं है कि मुख्यमंत्री क्या होता है, इतने से बच्चे दौड़ते हैं मामाओ मामाओ मम्मा, कोई हाथ पकड़ता कोई हाथ मिलाता है, वो जानते हैं कि ये दुबला पतला आदमी अपना मामा है यार। और बड़े तो ऐसे शरारत करते हैं, मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूं आई लव यू टू। ये भांजे और भांजों के रिश्ते, और मैं वो सौभाग्यशाली मामा हूं जिसके ऐसे प्यार भरे रिश्ते, मेरी तो जिंदगी धन्य हो गई मेरे बेटा बेटियों। लेकिन इसी के साथ संकल्प मेरे बच्चों, एक शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर से बेहतर करना, इसलिए अब मैं सीएम राज स्कूल बना रहा हूं। वो कहां बन रहा है सीएम राज स्कूल? यहीं पे, अभी देख दो बिल्डिंग आया, एक एक स्कूल की बिल्डिंग की कीमत ही 40-40 करोड़ रुपया है। मेरे किसान भाइयों गरीब भाइयों, अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल, ऐसे स्कूल जहां राजा दिग्विजय सिंह, राजा प्रियव्रत सिंह जिन स्कूलों में पढ़े होंगे उनसे बेहतर स्कूल बनाऊंगा गरीब और किसानों के बेटा बेटियों। हमारे बच्चों में भी बुद्धि और अकल है, पढ़ने का ठीक से मौका मिल जाए, लैब लाइब्रेरी स्मार्ट क्लास प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी बस छोड़ने जाएगी, और दिल्ली मुंबई में कोई पढ़ाएगा तो बच्चों को लगेगा जैसे यहीं खड़ा होकर पढ़ा रहा है स्मार्ट क्लास में। मेरे बच्चों मैं बेहतर से बेहतर शिक्षा दूंगा, और मां साहब 10 स्कूल बनाऊंगा तुम्हारे क्षेत्र में सीएम राय, 10 पूरे, क्योंकि मेरी योजना है कि हर 25-30 गांवों के बीच में एक बेहतर स्कूल बना दूं, ताकि बाकी गांव के बच्चे बस से आए और बस से जाए और अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े। ये कांग्रेस के जमाने में तो अपने अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा दिया, और हमारे बच्चों के लिए ऐसे स्कूल छोड़ दिए कि फट्टा भी और बस्ता भी कांख में दबा के जाना पड़ता था। धन्य रे दिग्विजय सिंह, क्या किया तूने शिक्षा के साथ, पंचायत शिक्षा कर्मी भर्ती कर दी। दिग्विजय सिंह जी, सबसे बड़ा पाप तुमने अगर कोई किया तो मेरे बच्चों का भविष्य चौपट तुमने कर दिया, चौपट। इन्हें मास्टरों की भर्ती तक नहीं की, शिक्षक बना दिए, 500 रुपया महीना में रख दिए, ये शिक्षा कर्मी ये गुरुजी। अब 500 रुपया में कौन क्या पढ़ाएगा मेरे भैया। मैंने उनकी सम्मानजनक तनख्वाह की 40-50 हजार रुपया तक बढ़ा के हमने किया, अब बेहतर से बेहतर शिक्षा देंगे। और इनने क्या पाप किया, मुझे दुख होता, मैं किसान का बेटा हूं, कितने अन्याय किए। इनने उच्च शिक्षा की व्यवस्था कर दी अंग्रेजी में। अब बताओ मेरे किसान भाइयों गरीब भाइयों, हमारे बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या गांव में? ये तो डेली कॉलेज में पढ़े तो अंग्रेजी फर्राटेदार बोलते हैं, लेकिन गरीब के बच्चों को कहां अंग्रेजी आती है भाई, किसान के बच्चों को कहां अंग्रेजी आती है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में, इसलिए कि बड़े लोगों के बेटा बेटी ही डॉक्टर इंजीनियर बने, किसान और गरीब के बेटा बेटी रह जाए। मैंने व्यवस्था बदल दी है, मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी में होगी, अपनी हिंदी में। अरे हमारे बच्चों को भी आगे बढ़ने दो भाई। और एक बात और, कई चीजें की है, दूसरे गांव पढ़ने जाए तो साइकिल के पैसे, 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो लैपटॉप मामा दिलवाए, अब तो स्कूटी भी दिलवा रहा हूं, नंबर 1 नंबर 2 आए तो। ये लैपटॉप कमलनाथ दिग्विजय सिंह ने बंद करवा दिए थे, मेरे बच्चों के लैपटॉप छीन लिए थे। और एक बात सुन लेना सब मेरे भाइयों बहनों, सुन लेना, अपनी मेहनत से गरीब के किसान के
बेटा बेटी का एडमिशन अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं भी होगा, प्राइवेट में भी होगा, तो उनकी फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। पढ़ो मेरे बच्चों, अनंत आसमान में ऊंची उड़ान भरो, तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ है। मैं जमाना बदलने निकला हूं, मैं शिक्षा की व्यवस्था बदलने निकला हूं, जिंदगी बदलना है। और अगली बार एक और मंत्र मेरा, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार, जोर से बोलो जरा, एक रोजगार, प्रत्येक परिवार ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा कि हर परिवार को एक रोजगार सुनिश्चित करूंगा, ताकि हमारे बच्चे दर दर की ठोकर ना खाए। मेरे बहनों और भाइयों, अब मैं जिंदगी बदलने के लिए हूं, एक नहीं कई तरह की कल्पनाएं। मेरी बहनों, रसोई गैस का कनेक्शन साढ़े कनेक्शन ही सिलेंडर 450 रुपया में दूंगा, बाकी पैसे मैं भरवाऊंगा। और जिनके बड़े बड़े बिजली के बिल आ गए घरेलू, गरीब और निम्न मध्यम वर्गी, उनके बढ़े हुए बिल मैं भरवाऊंगा, उनका 100 रुपया महीने बिजली का बिल आएगा। आपकी भलाई के लिए, आपकी जिंदगी की बेहतरी के लिए मैं मुख्यमंत्री हूं। ये कांग्रेस जिसने तबाह कर दिया पूरे प्रदेश को, राजगढ़ वालों, जीरापुर खिलचीपुर वालों, सोचो तो, ये कभी सड़कें नहीं बना पाए जिले में, ये कहीं पीने का पानी नहीं दे पाए। मेरी बहनों, पीने का पानी हैंडपंप का नहीं, पाइपलाइन बिछा रहे हैं, गांव में टंकी बना रहे हैं, और तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगा रहे हैं, ताकि टोटी खोलोगे तो झरझर पानी आए, गुल्ल गागरा सब पर आ जाए। बताओ, कभी दिग्विजय सिंह जी ने पानी दिया था घरों में पीने का? कांग्रेस भाई पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहां से देगी? कह रहे थे अभी, क्या कह रहा बेटा, यही बात कहनी थी, तो जो सच है वही कहने आया हूं। मेरे बच्चों, नया जमाना लाना है। कांग्रेस में तो लड़ाई हो रही है, खड़गे साहब कह रहे हैं कि भाजपा के पांडवों से लड़ रहे हैं। अब तुमने खुद ही कह दिया कि भाजपा वाले पांडव हैं, तो तुम तो कौरव हो गए रे। ये अधर्म और धर्म के बीच की लड़ाई, अन्याय और न्याय के बीच की लड़ाई। और देखो वहां क्या है, एक तरफ राजा दिग्विजय सिंह, दूसरी तरफ सेठ कमलनाथ, उद्योगपति कमलनाथ है, किसान मिसान थोड़ी है। और कमलनाथ जी का तो नरा मध्य प्रदेश में गड़ा ही नहीं है मेरे भैया, कहां के यही पता नहीं है। ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे, इनको इस माटी से प्यार नहीं है। दोनों लड़ रहे हैं अपने अपने बेटा को स्थापित करने के लिए। एक कह रहे हैं मेरे पापा 7 तारीख को शपथ ले लेंगे, जैसे वो कार्ड में लिखते थे ना शादी में, मेरे चाचा की शादी है, जरूर लाना, जरूर लाना, जरूर लाना। अरे हंसी खेल है कोई, शपथ लेना तू कौन होता है? और ये अपने बेटा को स्थापित कर रहे हैं, बेटा भतीजा, चक्की के दो पार्ट, एक दिग्विजय सिंह और एक कमलनाथ, और उसमें पूरी कांग्रेस और जनता को पीस रहे इनके लिए बेटे। लेकिन मेरे तो ये लाखों करोड़ों बेटे बेटियां, भांजे भांजे, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, वो अपने बेटों के लिए और हम अपने पूरे प्रदेश के बेटा बेटियों के लिए। मेरे बहनों और भाइयों, इनकी सरकार आई, इनने मेरी सारी योजनाएं बंद कर दी, इन्हें बंद कर दी बेगा भारिया सहरिया बहनों के 1000 रुपया, इन्हने संबल योजना बंद कर दी, मौत हो जाती थी एक्सीडेंट में मैं 4 लाख देता था, इन्हें बंद कर दिए, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख देता था, इन्हें बंद कर दिए। अरे इन्हें तो अंतिम संस्कार के कफन के 5000 देते थे, वो गरीबों का कफन भी छीन लिया, जब सरकार में आए गरीबों का कफन भी छीन लिया। इन्हें बच्चों के लैपटॉप बंद कर दिए। मेरी बहनों, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4 और बाद में 12 देता था, लड्डू बन जाए गरीब के घर भी, वो लड्डू भी छीन लिए कांग्रेस ने। तीर्थ यात्रा बंद कर दी, बेटी की कन्याओं की जो शादी है उसके पैसा भी इनने नहीं दिए,
तीर्थ यात्रा बंद कर दी, अब तीर्थ यात्रा फिर चालू, अब रेल से नहीं हवाई जहाज से तीर्थ ले जा रहा हूं। बुजुर्गों चिंता मत करना। मेरे बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस कभी हमारा भला नहीं कर सकती। कर सकती है क्या कभी हमारा भला? अच्छा मैं कैसी सरकार चला रहा हूं बताओ, तो फिर से ये सरकार बननी चाहिए कि नहीं? और बनेगी तब जब हजारी मां साहब हमारे एमएलए बनेंगे, विधायक बनेंगे, तब बनेगी। और इसलिए आपसे कहने आया हूं कि भैया देखो इस बार कोई चूक ना हो जाए। और अकेला मैं नहीं, आप भी घर घर जाएं, गांव गांव जाएं, हर द्वार खटखटाएं और सबसे कह दें जनता ही चुनाव लड़ ले, कमल के फूल की बटन दबाएं, हजारी मां साहब को विधायक बनाएं। बोलिए सब तैयार हैं? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, मां साहब को एमएलए बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो ना। मेरे साथ संकल्प लें कि इस बार